आज नॉकआउट मुकाबले में मुंबई इंडियंस को जरूरत थी एक नॉकआउट पंच की, वो नॉकआउट पंच दिया आकाश माडवाल ने। बहुत बढ़िया सनराइजर्स खेल रहे थे, लेकिन हमारे साथ है आकाश माडवाल। बहुत मुश्किल टाइम पे आप गेंदबाजी करने आए थे, तभी क्या सोच रहे थे, क्योंकि वहां से पूरा टर्न अराउंड हो गया। हम सोच रहे थे 230-40 तक जाएगी। सर बस ये सोचा था कि एक ब्रेक थ्रू लेके देना है टीम को, और जो अपना स्ट्रेंथ है उस पर बॉल करना है। भैया ने भी यही कहा था कि अपने स्ट्रेंथ पे बॉल करते रहे, और जो बाहर से मैसेज आ रहा था वही था कि एक ब्रेक थ्रू बहुत जरूरी है टीम के लिए इस टाइम, तो वही विकेट लेने के लिए गए थे और मिले। आकाश पहला सीजन, नर्व्स होंगे, प्रेशर होगा, मैच बाय मैच आप किस तरीके से देख रहे थे, किस तरीके से तैयारी कर रहे थे और किस तरीके से चीजें बदली है, ये समझाइए हमें। सर इस मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी है इसका मैं 3 साल से वेट कर रहा था, क्योंकि इससे पहले मैं आरसीबी में एज अ नेट बॉलर था, फिर मुंबई इंडियंस में था सपोर्ट प्लेयर, फिर मुंबई इंडियंस में चांस मिला, तो मेरा ये दिल से था कि मुझे खेलना है आईपीएल। और जब मैं खेला तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस बहुत था, मैं इतना नर्वस नहीं हुआ क्योंकि भैया मेरे साथ थे, रोहित भैया ने मुझे बहुत बहुत काम रखा था। जो मेरा स्ट्रेंथ था सिर्फ उसी पे बॉल करने को कहा था, और अगर आप देखोगे तो लास्ट मुझे डेथ ओवर में ही बॉल दी, कुछ वो नया नहीं करवाया मुझसे, क्योंकि भैया को एज अ कैप्टन, भैया मुझे लगता है कि मुझे भैया से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि भैया जब तक प्लेयर्स को नहीं देखते, प्लेयर्स के स्ट्रेंथ को देखते हैं फिर उससे वर्क करवाते हैं, तो वही भैया ने मुझे बहुत काम रखा था, और मैं इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से लिया और मैंने करके दिखाया। वो मुझे अच्छा लगा कि भैया ने मुझ पर सपोर्ट, मतलब मेरे पे सपोर्ट किया और मैंने किया। आज के मैच में जैसे शुरुआत हुई, जैसे चीज़ें चल रही थी, फिर आगे जब लास्ट 5 ओवर थे, और उसमें आपने कितने 2 ओवर किए 3 ओवर किए, तो किस तरीके की प्लानिंग थी, किस तरीके की सोच थी, क्या कुछ अलग कर रहे थे आज? नहीं सर, ऐसा कुछ अलग नहीं कर रहे थे, बस यही था कि उनको जितना कम स्कोर कर सकते हैं वो लोग, जितना कम बना सकते हैं, हमें टारगेट दे सकते हैं, हम उतना कोशिश कर रहे थे। और मैं अपने स्ट्रेंथ में बॉल कर रहा था, भैया ने भी मुझे वही कहा था कि अपने स्ट्रेंथ पे बॉल करते रहे, जो तू करता आ रहा है तो उसमें बेस्ट है और वही कर। बस भैया ने मुझे गाइड कर रहे थे हर बॉल पे कि अगर ऐसा होगा तो ऐसे करना है, ऐसा करना है, तो भैया का बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे, तो इसलिए मैं काम रहता हूँ और इतना बर्डन नहीं होता है मेरे पास कि ऐसा करना है, कि ये भी करना है और वो भी करना है। जो मेरा स्ट्रेंथ है मैं अपने स्ट्रेंथ में करता हूँ। आज थोड़ा अराउंड द विकेट भी आपने गेंदबाजी की, अब तक टूर्नामेंट में उतना दिखा नहीं था, मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप जैसे जैसे खेलते गए थोड़ा सा ऐसे खुल के आ रहे हो, ऐसे लग रहा है ये आपकी खुद की सोच है कि प्लानिंग का हिस्सा है, या रोहित भैया कह रहे हैं कि हाँ नहीं ऐसे करना है अभी? नहीं, ये सब हम प्लानिंग करते हैं, मतलब हमारा जो स्टाफ है, मैनेजमेंट है, बॉन्ड है, सीन बॉन्ड है, वो हमें सब ये चीज़ बताते हैं कि कौन प्लेयर्स कहाँ पे वीक है, हमें कैसे बॉल करना है, तो वो सब हम पहले ही प्लान करते हैं और वो एग्जीक्यूट करते हैं बस यहाँ के। इस टूर्नामेंट में ना आपको अलग अलग फेज में गेंदबाजी करते हुए देखा, कि आपने शुरुआत करी डेथ बॉलिंग से, फिर आपने नई बॉल डाली, फिर आप आज ना 5वें 6वें ओवर में, तो आपको किस किस तरह से एडजस्टमेंट करना होता है, क्योंकि अलग अलग फेज में अलग अलग तरीके की गेंदबाजी होती है? सर मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है करने में, ये जो नए नए अपॉर्चुनिटीज़ और ये सब मिल रहे हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अपने आप को एक्सप्लोर करने में भी, मतलब मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ और भैया मुझ पर बहुत कॉन्फिडेंस करके दे रहे हैं बॉल, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और मैं कर रहा हूँ और मुझे करते रहना है, यही मेरा एक जॉब है जो मुझे करनी है, बाकी तो सब सही हो रहा है। कौन से स्पेल में सबसे ज़्यादा मज़ा आया आपको, चलो ये बताइए, या कौन सा विकेट आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है? आई थिंक मुझे लास्ट विकेट जो ब्रुक का था वो बहुत इन्जॉयमेंट था, मतलब मैंने वो प्लान किया था, भैया और मैंने प्लान किया था, तो वो विकेट में मुझे बहुत मजा आया कि वो विकेट मिला। थैंक यू वेरी मच आकाश, लग रहा है कि बहुत एंजॉय कर रहे हो और फिर इसको अभी जो परफॉर्मेंस हो उसका आगे बढ़ाते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।